फिर आपने एक हमारा एक यानी जिसको वफादार दोस्त कहते हैं, बेतमाद दोस्त कहते हैं कहीं, हमारा चीन, उसको भी नाराज किया क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था, वो हमें सीपेक दे रहा था। सीपेक पे हमें एतराज है आज भी कि मगरब इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें नहीं दिया, लेकिन जो सीपेक बना चीन ने पैसे खर्च किए, तो अमेरिका ने आपसे कहा कि इसको रोक लो नहीं तो हिसाब किताब करेंगे, तो आपने रोक लिया, तो चीन को भी नाराज किया। आज हिंदुस्तान ने कदम उठाया तो मोदी ने खामोशी खामोश सफारतकार की हैसियत से, यानी खामोश सफारतकारी की, उसने अमेरिका को एतमाद में लिया, आज अमेरिका हमारे साथ नहीं, उसने चीन को एतमाद में लिया। लद्दाख पे चीन उसका खिलाफ है लेकिन कश्मीर पे वो खिलाफ नहीं, लद्दाख और कश्मीर की पोजीशन अलग अलग है, और इस बुनियाद पे रूस भी उनके साथ है, तो हमारा कौन रहा? सिर्फ तुर्की और मलेशिया से आपने टेलीफोन पे बात की बस, यानी पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा हो गया। कब तक ये जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा? ये मुल्क की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, और पाकिस्तान की बका के लिए किसी से भी ख़तरा हो हम उसका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि कश्मीर का मसला बहुत अजीब सा और एक ऐसा मसला है कि उस